Hi guys, welcome to the website testyourprep.com. My name is Anuj. This is video 4 for Vedic Maths. In this video, I will be discussing how to find the product of numbers. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस बड़े कॉमन है पेपर में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिखेंगे किसी भी मल्टीप्लिकेशंस के और डिवीजन्स के. तो मल्टीप्लिकेशंस के केस में हम कैसे मूव कर सकते हैं? सी, थोड़ा सा अगर इफ़ यू ऑब्जर्व दी नंबर्स तो आप बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन के बेस पे एंड यू कैन फाइंड अ सूटेबल रिप्लेसमेंट फॉर दैट एंड कैलकुलेट दी मल्टीप्लिकेशंस ऑन योर फिंगर टिप्स. जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं जो देखने में ट्रिकी लगेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सब्सटीट्यूशन इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस. तो जैसे एग्जाम्पल 1 इज देयर, इट सेज दैट 5 इंटू 18. अब मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी रिमेंबरिंग अप द टेबल ऑफ 18, तो वो 18 इंटू 5 करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग दी आंसर. मैं थोड़ा सा इसको ईजी कर रहा हूँ आपके लिए. सो रादर देन मल्टीप्लाइंग 18 विद 5, कैन आई राइट 5 एज 10/2? सो 10/2 इंटू 18, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, 2 9s. तो मेरा आंसर कितना आ गया? 90. तो आप देख सकते हैं रादर देन मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 5, मैंने सिंपली क्या करा, मैंने 5 को रिप्लेस कर दिया 10/2 से और मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को 10/2 से. तो वहाँ पे वो इवन नंबर था, उससे कटिंग हो जाएगी एंड हेंस आई विल गेट माय आंसर. मैं इसको रीएप्लीकेट करके दिखा रहा हूँ. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है 25 इंटू 64. अगेन मैं 64 को 25 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा. आई कैन राइट 25 एज 100/4 इंटू 64. तो यहाँ पे जो कटिंग हुई 4 16s. तो 16 इंटू 100 इज़ वॉट? 1600. 16 इंटू 100 इज़ वॉट? 1600. तो आप देख सकते हैं अगेन मेरी कैलकुलेशन विद इन 10 सेकेंड्स हो गई. अगेन अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑन थर्ड को करने से पहले रिक्वेस्ट में व्यूअर्स की एक बार पॉज करके वीडियो यहाँ पे खुद दिमाग लगाने की कोशिश करिए. अब 125 इंटू 360. तो 125 कैन बी रिटन एज 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 360. तो यहाँ पे अगर हम देखें 42 से कटिंग, यहाँ पे 490 से कटिंग, 245 से कटिंग. सो माय आंसर शुड बी व्हाट? 45 फॉलोड विद 3 zeros. ठीक है जी, एक बार सबको क्लियर हो गया होगा. तो लास्ट क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करिए अपने आप. वंस इट इज क्लियर देन ओनली मूव अहेड. अब 75 इंटू 160 के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चेंजिंग द इंक ओवर देयर. 75 इंटू 160. अब 75 कैन बी रिटन एज 150/2. It can be written as 150/2 into 160. So यहाँ पे cancellation करेंगे तो 80 बन गया. Now 150 into 80. So 150 into 80 there will be 2 zeros at the back. और 15 into 8. 15 का टेबल सबको पता है, that is 120. So my answer should be what? 12,000. आई होप सबको ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ क्लियर हो गई. कई जगहों पे आपको ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली एप्लीकेट होती नजर आएंगी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कल्चर चेंज करिए तो आपको ये चीज़ें अपने आसपास और एग्जाम में होती हुई नजर आएंगी. थैंक यू सो मच.